So let's have a review of this chapter once again. ये जो chapter अभी हम लोगों ने theory of supply खत्म किया है, अब हम इसका छोटा सा एक review ले लेते हैं, brief ले लेते हैं, ताकि so that people are able to revise the whole of the chapter. See सबसे पहले जब भी आप supply देखते हो, supply किसके view point से है? Producers. Producers का main aim क्या रहता है? Profit maximization. Next, keeping that in your mind. Theory of supply आपका एक qualitative aspect है. क्यों qualitative? क्योंकि ये आपको सिर्फ directional change बता रहा है किन दो variables के बीच में price and quantity supply. Next question जो हमारे mind में आता है, that is stock and that is supply. See, very important. Supply कौन सा concept है? Supply is a flow concept. बट जिस supply के अंदर लगातार बदलाव होता रहता है over a period of time. पर डे के बेसिस पे सप्लाई अलग, पर वीक के बेसिस पे अलग, पर मंथ के बेसिस पे अलग, पर ईयर के बेसिस पे अलग. बट स्टॉक, स्टॉक तो आपकी पोटेंशियल सप्लाई है, बताता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो इतनी ज्यादा है, लेकिन अभी आप वो पोर्शन मार्केट में नहीं लेकर आ रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अ राइट प्राइस फॉर द कमोडिटी. सो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज सप्लाई. जो पार्ट स्टॉक का एक प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर सेल इन द मार्केट, दैट इज नोन एज सप्लाई. और एक प्रोड्यूसर कब सामान को ऑफर करता है मार्केट में सेल के लिए? जब उसको सही प्राइस मिलता है, सही दाम मिलता है. सो रिमेंबर वन थिंग, स्टॉक बड़ा कॉन्सेप्ट है, सप्लाई छोटा कॉन्सेप्ट है. सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक एंड स्टॉक इज अ पोटेंशियल सप्लाई. नेक्स्ट, When we talk about the parts, हम लोगों ने किए थे, एक individual supply होती है जहां पर एक firm है, और एक market supply होती है जहां पर बहुत सारी firms हैं. लेकिन market supply के लिए remember, हम लोगों ने क्या देखा था? एक assumption, market में सिर्फ दो suppliers हैं, सिर्फ दो firms हैं. Let's talk about individual supply से related. Individual supply schedule पता होना चाहिए, as a result individual supply curve पता होना चाहिए. तो यहाँ पर इनके डेफिनेशंस को रट्टाफिकेशन नहीं करना है. कहीं पे भी आप लोगों को स्केड्यूल आ जाए तो वो एक टेबल है. क्या एक्सप्रेस कर रहा है? रिलेशन किसके बीच में? क्वांटिटी सप्लाई एट द फ्रंट लेवल ऑफ प्राइसेस. डू रिमेम्बर वन थिंग, अगर तो इंडिविजुअल है तो इसमें लगा दीजिए एक सिंगल फर्म. अगर मार्केट है, बाय ऑल द फर्म्स. और साथ में लिख दीजिए कि मार्केट के अंदर अजम्पशन है, देयर आर ओनली टू प्रोड्यूसिंग फर्म्स इन द मार्केट. इज इट क्लियर? नाउ फॉर द डायग्राम, कहीं पे भी डायग्राम है तो क्या वर्ड यूज करोगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? स्केड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या एक्सप्रेस कर रहा है? रिलेशन किसके बीच में? क्वांटिटी सप्लाई एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस. अगेन रिमेंबर, अगर तो सिंगल है, इंडिविजुअल है, बाय अ सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन एन इकोनॉमी. लेकिन अगर तो मार्केट है, बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी इन द मार्केट. साथ में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट सप्लाई के लिए यू शुड रिमेंबर ओनली टू प्रोड्यूसिंग फर्म्स आर देयर इन द मार्केट. नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट सप्लाई जब करते हो, रिमेंबर माइक्रो कॉन्सेप्ट है, मैक्रो नहीं है. मार्केट सोचकर ये नहीं सोच लेना कि ये मैक्रो कॉन्सेप्ट बन गया. नो, दैट इज रॉन्ग. इट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट. ऑलवेज रिमेंबर, व्हाई माइक्रो? क्योंकि एक ही कमोडिटी की सप्लाई कर रही है सारी की सारी फर्म्स इन द मार्केट. एक कमोडिटी माइक्रो कॉन्सेप्ट को लीड करती है, बहुत सारी फर्म्स यहां पर मार्केट को लीड करती हैं. इज इट क्लियर और नॉट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डायग्राम जब आप मार्केट सप्लाई की बनाओगे, एक ही लाइन में तीनों डायग्राम्स बनानी है, और यहां पर जो लास्ट वाली डायग्राम होगी वो हॉरिजॉन्टल समेशन या इट इज नोन एज अ लेटरल समेशन से बनती है ऑफ टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स. नेवर फॉरगेट दैट. विथ समेशन हॉरिजॉन्टल और इट इज नोन एज अ लेटरल समेशन. विथ समेशन लेटरल समेशन. नाउ लेट्स मूव अहेड. लॉ ऑफ सप्लाई, कोई भी लॉ को एक्सप्लेन करने का कितना स्टेप्स होता है? फाइव. सबसे पहले क्या देते हो? मीनिंग. मीनिंग के बाद assumptions, assumptions के बाद स्केड्यूल, स्केड्यूल के बाद डायग्राम, एंड डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन. एंड व्हाट डज लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट? इट स्टेट्स दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप
between the price of a commodity and the quantity supplied of a commodity. Other things kya rehte hain? Constant. Do you know what is other things? Other things ka matlab hai, sare ke sare factors jinhone supply of a commodity ko effect kiya hai. You should remember factors, very important. Never ignore the factors and go. Kaun-kaun se factors hai? Let's revise the factors. Sabse pehle, it is the own price of a commodity. Then it is what? The price of the factors of production. Then it is what? The price of a related good. Or is related good ki price mein hum sirf substitute good ko consider karte hain. Then it is what? It is your, the goal of the firm is there. It is your technology. Outdated bhi aur improved bhi. Aap log har tarike se dekh chuke ho ki supply pe effect kya aayega. Uske baad it can be the government policy. Government policy do tarike ki hoti hai. You should remember that. Subsidies bhi deti hai aur taxes bhi impose karti hai. Kabhi bhi jab hum taxes ki baat karenge, to taxes is GST, goods and service tax. Kyunki indirect tax regime is now GST in nature. So I hope sare ke sare factors ne ab kya rehna hai? Constant. Sirf kya batlega? All price of a commodity. So as a result, what is the shape of a supply curve? You should never forget that supply curve is always upward sloping. You should remember, kahan se originate kar rahi hai? Y axis se. Kyunki yahan se point of origin se lekar jahan se supply curve originate kar raha hai, that is known as a minimum supply price. Or you call it a reserve price. कौन सा प्राइस? रिजर्व प्राइस फॉर अ कमोडिटी. बच्चे इतने इससे लो हम लोग अपनी कमोडिटी की प्राइस को कम कर नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर को अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी इनटेक लेना पड़ता है. सो ऑलवेज हर एक कमोडिटी की एक मिनिमम सप्लाई प्राइस है. दैट्स व्हाई सप्लाई कर्व कहां से ओरिजिनेट करता है? ओ वाई एक्सिस से. यहां पर क्या आ गया? प्राइस फॉर एक्स कमोडिटी एंड दिस इज व्हाट द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर एक्स कमोडिटी. प्राइस अगर ओपी तो क्वांटिटी सप्लाइड ओक्यू. प्राइस अगर ओपी से बढ़ जाता है ओपी वन तक, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगा ओक्यू से ओक्यू डैश. और अगर प्राइस कम हो जाता है ओपी से ओपी टू, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगा ओक्यू से ओक्यू टू तक. Hence, what is a relationship? A positive relationship between the price of commodity and its quantity supplied. Now, a very important topic. Changes in supply. Do tarah ki changes hoti hai. Movement and shifting. Remember one thing. Movement hogi to wo kiske karan se hoti hai? Own price ke karan se. Aur other factors kya rehte hai? Constant. Okay, I explain movement with the help of this thing. जैसे ही मेरी प्राइस बढ़ी, ए पोजीशन से आई एम मूविंग टू बी पोजीशन अपवर्ड्स ऑन अ सेम सप्लाई कर्व. रिमेंबर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बदल रहा है? ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. इट इज नोन एज व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. एक्सटेंशन का मतलब ही क्या होता है? क्वांटिटी का यहां पर बदल जाना. क्योंकि हम क्वांटिटी से इन्वॉल्व है तो क्वांटिटी बढ़ जाना, कोई चीज बढ़ जाना. So that is known as extension of supply. अब बच्चे जैसे ही price कम हुआ, हम पहले A position पे थे, price के कम होते ही हम यहाँ पर C position पे आ गए. We move downwards on a supply curve. Quantity supplied कम हो गई. This is known as what? Contraction of supply. What do you call? Contraction of supply. I hope this is clear. The movement is clear. Quantity supplied ka change hona due to the change in own price of a commodity. Other factors constant. Ab hum log kya dekhenge? Shifting. Bache, jab hum log shifting dekhte hain, you should remember one thing. Own price for a commodity constant. Original supply curve SS. Own price constant hai. To humara supply curve rightward ya leftward kyun move hua? अब सप्लाई कर्व ने या तो राइटवर्ड मूव हो जाना है या अपनी पोजीशन को छोड़कर लेफ्टवर्ड मूव हो जाना है. एंड यू नो व्हाई? क्योंकि अब बाकी सारे फैक्टर्स बदल रहे हैं अदर देन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी.
मैंने आपसे पहले भी बहुत डिटेल डिस्कशन करी है अराउंड ऑल द फैक्टर्स और कैसे कैसे फैक्टर्स के बदलने के कारण से शिफ्टिंग होती है. सो यू कैन गो फॉर द मेन वीडियो फॉर ऑल दैट. लेट्स सी टू इट. अभी आप ब्रीफ में देखें ए पॉइंट क्वांटिटी ओ क्यू. अगर हमारा सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है व्हाट इज अ न्यू सप्लाई कर्व. इट इज S1 A to B position, quantity supplied increase कर गया OQ से OQ dash. This is known as what? Increase in supply. हमारा supply curve ही original position को छोड़कर rightward shift हो गया. Why? You can remember, price of a substitute of a good decreases, technology improves, taxes का rate कम हो गया, prices of factors of production कम हो गए हैं, goals of a firm shifts from profit maximization to sales maximization. Subsidies government ने बढ़ा दी हैं. अब आप improved technology को use कर रहे हो. इतने सारे reasons हैं जिसके कारण से supply curve कहाँ पे shift हो गया? Rightward shift हो गया. You can go for a detailed video if you want to go for all these things. Let's see the next point. अब हमारे पास क्या चीज आ गया? The supply curve is shifting towards which hand side? Leftward. जब supply curve leftward shift होता है original position को छोड़कर it is shifting towards the left hand side. You call it decrease in supply. On price constant फिर भी quantity supply decrease कर गया OQ से OQ2. Do you know what are the reasons? Unginet reasons. सारे factors को उठाओ और reasons बनाओ except the own price. क्योंकि own price क्या रहेगी? Constant. Price of a substitute of a good increases now. Price is expected to increase in the near future. Prices of factors of production increases. Then the technology deteriorates, outdated technology. Subsidies ka level government kam kar deti hai. Taxes ka level government kya kar deti hai? Zyada. Taxes is GST. In sare cases ke karan se, there is a left hand side shift of a supply curve. So I hope the movement and shifting is clear. Do remember, very important questions out of movement and shifting. और shifting में से तो इनके factors को basis के ऊपर आपको explain करना भी आ सकता है. So you should remember, movement only due to price. Other factors क्या रहेंगे? Constant. और shifting के अंदर own price constant और बाकी सारे के सारे factors बदल जाएंगे जिसके कारण से supply को अपनी original positions change कर लेगी. I hope the brief of a chapter is clear. So always remember that there is a positive relationship between price and its quantity supplied, viewpoint of a producer, and producer always wants a profit motive. Thank you for listening it. Thank you.